नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम कंजक्टिवाइटिस के बारे में जानेंगे। कंजक्टिवाइटिस ये आंखों में कंजक्टिवा है उसके इन्फेक्शन के कारण होता है। ये एक आंख या दोनों आंखों में होता है। ये मोस्टली वायरस और बैक्टीरिया के वजह से होता है। ये हाईली कंटेजियस है, यानी ये कांटेक्ट में आने के वजह से स्प्रेड होता है। आज के इस वीडियो में हम कंजक्टिवाइटिस के सिम्टम्स वो ना हो इसके लिए क्या प्रिवेंशन लेना चाहिए और हो जाने के बाद क्या प्रिवेंशन लेना है इसके बारे में जानेंगे। कंजक्टिवाइटिस होने पर क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इसके बारे में जानेंगे। रेडनेस ऑफ आईज, आंख लाल हो जाती है। स्वेलिंग ऑफ आईज, आंख सूज जाती है। इचिंग, आंखों में खुजली होती है। वाटर डिस्चार्ज, आंखों में से पानी आता है। म्यूकस डिस्चार्ज, आंखों में से येलो और व्हाइट डिस्चार्ज आने लगता है। क्रस्टिंग ऑफ आईलिड्स एंड आईलैशेस, आंखों में से आ रहा डिस्चार्ज जब ड्राई होता है तब वहां पर क्रस्ट फॉर्मेशन होता है। इसे क्रस्टी इफेक्ट और स्टिकी इफेक्ट भी कहते हैं। कॉन्स्टेंटली आई रबिंग, आंखों को बार बार रब करने की इच्छा होती है। प्रिवेंशन टिप्स, कंजक्टिवाइटिस ना हो इसके लिए और हो जाने के बाद क्या प्रिवेंशन लेना चाहिए इसके बारे में जानेंगे। डोंट शेयर आई ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स शेयर करने से ट्रांसमिशन का रिस्क बढ़ जाता है, इसलिए आई ड्रॉप्स को शेयर नहीं करना है। यदि फैमिली मेंबर्स हैं तब भी उन्हें शेयर नहीं करना है। डोंट शेयर टॉवेल, पिलो, ब्लैंकेट, क्योंकि कंजक्टिवाइटिस रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स थ्रू यानी खांसी से छींक से भी स्प्रेड हो सकते हैं, इसलिए इन्फेक्टेड पर्सन का टॉवेल, पिलो, ब्लैंकेट यूज नहीं करना है। वॉश आई विथ क्लीन वाटर आफ्टर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से आने के बाद आंखों को साफ पानी से धोए ताकि इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाए। मिनिमाइज टचिंग ऑफ शेयर सरफेस, कंजक्टिवाइटिस के वायरस सरफेस पर भी सर्वाइव करते हैं, इसके लिए जो भी शेयर सरफेस है जैसे कि डोर नॉब्स, टेबल टॉप्स, शेयरिंग ऑटो, बसेस, ट्रेन, इन सब के सरफेस को टच करना कम करना है। वियरिंग डार्क सनग्लासेस व्हेन सफरिंग फ्रॉम कंजक्टिवाइटिस, जिसे भी कंजक्टिवाइटिस हुआ है उसमें डार्क सनग्लासेस का इस्तेमाल करना है, क्योंकि आईज है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। उसे डस्ट और लाइट के वजह से फिर से इरिटेशन ना हो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए डार्क सनग्लासेस को पहनने के लिए कहते हैं। अवॉइड क्लोज कॉन्टेक्ट विथ अदर्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंटेजन, कंजक्टिवाइटिस की जब साथ आती है उस पीरियड में दूसरे लोगों के साथ क्लोज कॉन्टेक्ट रखना अवॉइड करें ताकि आप सेफ रह सके। डोंट यूज डर्टी क्लॉथ्स फॉर आई क्लीनिंग, आंखों को साफ करने के लिए जो भी क्लॉथ है वो क्लीन होना चाहिए। गंदे कपड़े से अगर क्लीन किया तो इन्फेक्शन और भी बढ़ने के चांसेस होते हैं। डोंट फॉरगेट टू वॉश यूर हैंड्स विथ सोप आफ्टर टचिंग यूर आईज, जब भी हाथों से आंखों को टच करते हैं जैसे कि आई ड्रॉप डालने के लिए, आंख क्लीन करने के लिए, उसके बाद हाथों को साबुन के साथ वॉश करें ताकि इन्फेक्शन यहाँ वहां स्प्रेड ना हो। अवॉइड गोइंग टू ऑफिस और स्कूल अंटिल योर आईज आर नो लॉन्गर रेड, कंजक्टिवाइटिस ये हाईली कंटेजियस डिसीज है, इसके लिए जब तक आंखों का रेडनेस जाता नहीं है तब तक ऑफिस में, स्कूल में, पब्लिक प्लेसेस पर जाना अवॉइड करना है। अवॉइड रबिंग ऑफ आईज, जब एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस होता है तब आईज को रब करना अवॉइड करना है। आईज को रब करने से सिम्टम्स और भी ज्यादा वर्स्ट होते हैं। कॉन्टेक्ट टू द डॉक्टर इमिडिएटली, जब आपको कंजक्टिवाइटिस के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो इमिडिएटली डॉक्टर को कॉन्टेक्ट करना है और उनके एडवाइस के अनुसार मेडिसिन को लेना है। आज के इस वीडियो में हमने कंजक्टिवाइटिस के बारे में जाना। अगर वीडियो पसंद आया हो
तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।